से बच्चों को कंफ्यूजन होता है। तो इसके लिए बेटा मैंने बताया था आपको कि 3 और 4 आप देखो, तो देखने में ये हमें अगर हम लेटर्स में देखें तो ये हमारा 3 लगता है, ये 4 लगता है, ठीक है। तो हमारा 3 आगे, पहले 3 आता है तो उपसर्ग जो है आगे लगेंगे, और प्रत्यय जो है 4 है तो वो पीछे लगेगा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना बेटा प्रीफिक्स और सफिक्स, ये भी मैंने बताया था, प्रीफिक्स और सफिक्स जो है उसकी पहचान वही है बेटा। कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है, बड़ों बड़ों कंफ्यूजन हो जाता है कि सफिक्स आगे लगते हैं या प्रीफिक्स पीछे लगते हैं, या कौन सा आगे लगता है कौन सा पीछे लगता है। तो पी क्यू आर एस, ठीक है, पी पहले आता है तो प्रीफिक्स जो है वो पहले लगेंगे, और सफिक्स एस बाद में आता है तो सफिक्स जो है वो पीछे लगेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज मैंने आप लोगों को बताई थी कि ये मेन वर्ड नहीं होते, शब्द नहीं होते, ठीक है। उपसर्ग और प्रत्यय कभी भी शब्द नहीं होते, वो तो क्या होते हैं, शब्द के आगे और पीछे लगते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय शब्दांश होते हैं। तो प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं, जो मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसके रूप में परिवर्तन कर देते हैं। प्रत्यय शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, ये तो हमारी डेफिनेशन हो गई बेटा कि प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं। मैंने वही चीज बोली, शब्द धन अंश, ठीक है, ये बना ही उस चीज से है, शब्द धन अंश में शब्द का अंश मात्र, ठीक है। तो प्रत्यय कभी भी शब्द नहीं होते, क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं, ठीक है, शब्द का अंश, ठीक है, शब्द का अंश मात्र होते हैं, जो मूल शब्द के आरंभ में लगकर उसके रूप में परिवर्तन कर देते हैं। प्रत्यय भी दो शब्दों से मिला है, एक हो गया प्रति प्लस आय, ठीक है, आय बोल सकते हैं, प्रति प्लस आय। प्रति का अर्थ होता है साथ में पर बाद में, और आय का अर्थ होता है चलने वाला, ठीक है, आय मीन चलने वाला। तो प्रति प्लस आय का पूर्ण अर्थ होता है साथ में पर बाद में चलने वाला, ठीक है। दो शब्दों से मिलकर बना है, कौन से दो शब्द, प्रति प्लस आय, ठीक है, प्रति का अर्थ होता है साथ में, और आय का अर्थ होता है प्रति का अर्थ होता है बेटा पूरा अर्थ नहीं है, साथ में पर बाद में, पूरा अर्थ हो गया साथ में पर बाद में, ठीक है। नेक्स्ट हो गया हमारा आय, और आय का अर्थ होता है चलने वाला, इसका पूरा अर्थ हो गया, इसका पूर्ण अर्थ है
में पर बाद में चलने वाला। ठीक है, प्रत्यय को दो भागों में बांटा गया है बेटा। एक तो क्रिया से बनने वाले होते हैं और दूसरे संज्ञा, सर्वनाम और विशेषणों से बनने वाले होते हैं। ठीक है, कौन से दो भागों में बांटा गया है? एक तो क्रिया से बनने वाले होते हैं और दूसरे संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनने वाले होते हैं। तो क्रिया से बनने वाले तो वही होते हैं, जैसे मर के पीछे हमने ता प्रत्यय लगा दिया तो हो गया मरता, ईयल, सड़ियल, मरियल। ठीक है, या ना हो गया, ना प्रत्यय के पीछे हमने लगा दिया पढ़ना, चलना। ठीक है, ये हमारे हो गए उससे क्रिया से बनने वाले। ठीक है, उसके अलावा हमने बनाया संज्ञा सर्वनाम, फिर से सफल हो गया, सफल के पीछे हमने लगा दिया ता, सफलता हो गया। चतुर, चतुर क्या है? संज्ञा है एक तरीके से, वह चतुर है, संज्ञा है। ठीक है, अगर हमने उसको आई प्रत्यय लगा दिया चतुराई, तो भाववाचक संज्ञा इसके चतुराई क्या हो गई हमारी? विशेषण हो गया। ठीक है, कड़वा विशेषण है, कड़वापन, कड़वाहट। कड़वाहट। हाँ, आहट प्रत्यय लगाने से कड़वाहट बन गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने दो भागों में डिवाइड किया है। प्रत्यय जो दो भागों में बन गए हैं, कौन से हैं? कड़वाहट। ठीक है बेटा, दो भागों में बांट दिया, एक तो क्रिया से बनने वाले और दूसरे हमारे हो गए संज्ञा से बनने वाले। अब कुछ शब्द यहाँ पर दे रही हूँ बेटा आप लोग, इन जनरल हम लोग वैसे भी बना सकते हैं। जैसे ता प्रत्यय से लगा दिया हमने, ता प्रत्यय लगाकर बनाया, ता से क्या बनता है? मूर्खता, सफलता, हस्ता, और सरलता, सरलता। और बताओ, खस्ता, खस्ता। विशेषता, क्रूरता और विशेषता, सफलता। सफलता हम लोग बोलते हैं, सफलता, सरलता। ठीक है, नेक्स्ट बेटा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ गया ईएल, ईएल प्रत्यय से, मरियल, मरियल और सड़ियल, अड़ियल, अड़ियल, सड़ियल, मरियल, मरियल। ठीक है, नेक्स्ट अभी ना से बोला ही था, ना से मरियल, ना प्रत्यय, खाना, पीना, और सोना, 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 खाना, देखना, अच्छा नेक्स्ट आस, आस प्रत्यय, बाग, आस प्रत्यय, मिठास, रेयास, मिठास, रेयास, और खमलास, मिठास हो गया, और आस प्रत्यय जोड़कर बनाया हमने, एक हो गया मिठास। प्रत्यय कौन सा है? आस। क्या हो गया? मिठास और खटास, और मिठास, खटास। ओके, नेक्स्ट हमारा एया प्रत्यय, नेक्स्ट हमारा कौन सा है? एया, एया प्रत्यय। लाया, क्या? लिया, 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 ले आ, दिया, नहीं बेटा, और बोलो। एक होता है रखैया, नचे हाँ एक होता है रखैया, भैया, नचैया, नचैया, और
गवैया, रवैया, रवैया। नेक्स्ट आई प्रत्यय, नेक्स्ट हमारा आ गया आई प्रत्यय। मिठाई, 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 कढ़ाई, मिठाई, मिठाई, कढ़ाई, मिठाई। हाँ सही है, सुनाई, सुनाई, चुंधनाई, लड़धनाई, लड़ाई, लड़ाई है, लड़ाई, लिखाई, शाही। नेक्स्ट हार, नेक्स्ट आ गया हमारा हार प्रत्यय। उपहार, जार, जार, और जार, उपहार, मैम, होनहार, होनहार। और ये किसने बोला, एक और कोई बोला यहाँ पे, क्या बोला मैम? उपहार है, जार, उपहार मैम, पालनहार, पालनहार और करनहार, पालनहार है मैम, करनहार नहीं, और कुमार, खेवनहार, तारणहार, कुमार, पोषणहार, कुमार, सुनार, सुनार, आर आ गया, वो आर प्रत्यय लगाकर बनेगा सुनार, जार। यहाँ पर मैंने बोला हार, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारा आई, आई प्रत्यय लगाकर मैम, लड़ाई, 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 कढ़ाई, कढ़ाई। नेक्स्ट हमारा आ गया बेटा आवट, आवट करते बनावट, लिखावट, लिखावट और लिखावट, बुनावट, बुनावट और मिलावट, मिलावट और सजावट, तरावट, गिरावट, हो सकता है ना। नेक्स्ट आगे हमारा हो गया आर, आर प्रत्यय, आर के बाद हमारा आ गया आर प्रत्यय, बेहतर, आर प्रत्यय लगाकर सुनार, सुनार और लोहार, लोहार, लोहार और और कुम्हार, कुम्हार आता है, ओके। नेक्स्ट एरा, एरा, मैम, लुटेरा, लुटेरा और सपेरा, लुटेरा, सपेरा, एकदम सही बोला है बच्चे ने, बोला है यहाँ पे लुटेरा, लुटेरा, बसेरा, सपेरा हो गया, बसेरा, बसेरा, मैम, कमेरा, कमेरा, लुटेरा, हाँ हो गया बेटा। आहट प्रत्यय लगाकर सनसनाहट, सनसनाहट और गुनाहट, गुनाहट, घबराहट, सजावट, रुकावट, सजावट, गुनाहट, रुकावट, गर्माहट हो गया और गर्माहट हो गया और तरावट हो गया और मैम चिकनाहट, चिकनाहट, बेटा आगे लिखो कुछ शब्द ऐसे होते हैं। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है, बेटा जो आपको बोर्ड पे लिख के दे रही हूँ वो लिखना है आपको। कुछ शब्द ऐसे होते, कुछ शब्द ऐसे होते हैं
जैसे इक य ओब्लिक आ आदि शब्दांश का मूल शब्द के साथ लगने पर के मूल शब्द के साथ लगने पर कुछ शब्द होते हैं जैसे इक या आ आदि शब्दांश का मूल शब्द के साथ लगने पर जो परिवर्तन होता है, देखिए जो परिवर्तन होता है आ और आ और आ का क्या हो जाता है, आ हो जाता है, ई ई मैम उ उ मैम हाँ मैम मेरे नेटवर्क की चूती को मैम मैंने बीच में क्लास छोड़ के वापस ज्वाइन की है। हाँ ठीक है बेटा, ओ औ ये बेटा हमारे क्या है, पूरे स्वर हैं, इनके साथ में क्या परिवर्तन होता है बेटा वो देखिए आप। ये जो ई और ई है और ए है, इन दोनों का क्या हो जाता है, ए आरंभ में लगने पर उ और उ, इन दोनों का और इन दोनों का साथ में मिलने पर जो परिवर्तन होता है वो हो जाता है औ। समझ में आया, ई ई और ए ए और उ उ और उ ओ औ का मिलने पर तो औ हो जाता है, इन दोनों के मिलने से ए परिवर्तन होता है। ये भी बेटा लिखो आप लोग, परिवर्तन जो होता है आगे के शब्दों में कई बार, जैसे मैंने आपको दिखाया ऐतिहासिक, इतिहास प्लस एक होता है तो उसमें परिवर्तन कैसे होता है, भूगोल प्लस भौगोलिक तो उसमें परिवर्तन कैसे होता है। तो बेटा ये चार्ट बनाओ, ये तो आ ही रहता है, ई और ई जो है ये दोनों जो है इन दोनों के मिलने पर और इन दोनों के मिलने पर ये परिवर्तन होता है, और इन दोनों के मिलने पर और इन दोनों के मिलने पर ये परिवर्तन होता है। ये आपको उदाहरण के द्वारा समझ में आएंगे, पहले लिखो ये लोग, ये चीजें जो है आप लोग अपनी नोटबुक में लिखो पहले। मैम हो गया? नो मैम, हाँ हाँ लिखो लिखो लिखो। अभी बेटा आप लोगों का, आप लोगों की जो है बच्चों की संख्या धीरे 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 बढ़नी चाहिए, ऐसे नहीं चलेगा, बच्चे जो है अभी भी कमी दिखाई देते हैं क्लास में। प्लीज सोचते हो आप लोग के धीरे धीरे आप लोगों की क्लासेस 9 to 12 खुलने वाली हैं, आप लोगों की भी धीरे धीरे क्लासेस खुलेंगी। क्लास में जो आपकी अनुपस्थिति है वो आप लोगों को जब क्लासेस ओपन होंगी तब आप लोगों को दिक्कतें आएंगी। स्कूल ओपन होते से ही आप लोगों के टेस्ट, क्योंकि क्या है आप लोगों ने पूरे साल ही पढ़ाई की है ना, ऑनलाइन ही की है पढ़ाई, तो की है हो गया हुआ नहीं हुआ? यस मैम हो गया। ओके अब हमने लिखा, पहला लिखा हमने समाज प्लस एक, क्या होगा समाज, उसमें क्या लिखाया था सामाजिक, हाँ इसमें क्या लिखा, इसका सा क्या क्या हो जाएगा, सा प्लस आ। संस्कृत में क्या किया आप लोगों ने, सामा प्लस सा प्लस अ सा,
सामाजिक। आप यहाँ पर जो बेटा हमारे हिंदी में जो देखते हैं, हाँ मैंने बोला कि आ प्लस आ भी आ ही, आ भी आ ही हो जाएगा और आ भी आ ही रहेगा। हमने बोला था ना क्या परिवर्तन होंगे, आ और आग का क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर समाज प्लस एक दिया है, ये तो तुम्हें पता है कि ये ई जो है छोटी ई है वो इसमें परिवर्तित हो जाएगी। समझ में आया, ये तो समझ में आया ना चीज कि हमने लिखा समाज प्लस एक, ये ई उठा के हमने छोटी ई में परिवर्तित कर दी, सामाजिक आ गया। लेकिन यहाँ पे सामाजिक की जगह सामाजिक क्यों आया, इसको हम क्या करेंगे, मैंने वही बताया तुम्हें, अ प्लस आ और आ दोनों का मिलकर आ ही होगा, तो इसको हमने लिख दिया सामाजिक। परिवर्तन हम कहाँ दिखा रहे हैं, यहाँ परिवर्तन दिखा रहे हैं आपको। कई बार बच्चे क्या लिख देते हैं, हमने लिख दिया समाज प्लस एक, ये तो समझ में आ रहा है बच्चों को कि इस एक की जगह हमको लिखना है सामाजिक, तो वो लिख दिया सामाजिक, जबकि मैंने परिवर्तन बताया आपको इधर, इधर आ की जगह हो जाएगा आ, तो ये पूरा हो गया हमारा सामाजिक। ठीक है, नेक्स्ट हमने करा परिवार प्लस एक, हमने लिखा परिवार प्लस। मैम हाँ मैम, ये जो आप एग्जांपल लिखा रहे हो वो लिखने हैं हमें पारिवारिक। ओके, अब इसमें भी होगा बेटा, अगर बच्चे करना चाहें तो इसको इस वाली जो ई है इसको उठा के यहाँ पर कर दिया, तो हो गया पारिवारिक। ठीक है, करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि परिवार प्लस एक दे रखा है, इसको उठा के इधर कर दिया, ये हो गया हमारा पारिवारिक। ठीक है, लेकिन मैंने सीनियर बताया आपको इधर, इधर अ है इसी जगह हो जाएगा हमारा आ, तो क्या हो गया, क्या हो गया, अब हमें देखना है, अब जैसे आपने देख लिया ऐतिहासिक ले लो आप, हम लोग लिखते हैं इतिहास प्लस एक दे दिया, अब यहाँ पर ई दे रखा है आपको, यहाँ पर मैंने आपको क्या दिया था, और ई और ए और ए, इन दोनों का और इन दोनों का परिवर्तन क्या होगा मैम, ए होगा, तो यहाँ पर ई है तो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, ऐतिहास। ये तो हमने सिर्फ इसमें परिवर्तन किया, अभी तो हमने इतिहास में परिवर्तन किया, इसका ई की जगह हमने कर दिया ए, यहाँ पर ई जो है ये इसमें परिवर्तित हो गई, यहाँ पर हो गया हमारा ऐतिहासिक। समझ में आया, यस मैम, यस मैम। और देखो बेटा, तो हाँ हमने देखा इच्छा, इच्छा प्लस एक, वही मैंने तुम्हें बताया था कि ई जो है किसमें परिवर्तित हो जाएगा, अच्छा एक है ए में परिवर्तित हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा ऐच्छिक, ये ई तो ई में ही परिवर्तित होगी ना बेटा, ये तो ई में ही परिवर्तित होगी। नेक्स्ट जैसे हमने लिख दिया विज्ञान, विज्ञान प्लस एक, ये क्या है वी, ई है ना, वैज्ञानिक, वैज्ञानिक, क्योंकि यहाँ पर हमारा ये वाला ए नहीं आ रहा है, हमने ज्यादातर ऐच्छिक, ठीक है ऐतिहासिक, उसमें हमने ये ए का प्रयोग किया, जब हम मात्रा लगाते हैं तो डबल मात्रा आ गई, वाक्य हमने ऊपर हमने मात्राएं दो लगा दी ए की, तो ये हमारा हो गया वैज्ञानिक। समझ में आया, यस मैम, यस मैम। हाँ एक हम अब तुम्हें ध्यान है, ये हम लोग लिखते हैं नीति प्लस एक नैतिक, 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 हाँ नैतिक, अभी नैतिक, अभी कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, नो मैम, नो मैम, नो मैम, यस मैम, नो कंफ्यूजन। अच्छा एक हमारा हो गया भूगोल प्लस एक, भौगोलिक, भौगोलिक, किसका चेंज किया बेटा, किसका चेंज किया,
किसको चेंज किया? भूगोल मैम, यहाँ पे ई की मात्रा चढ़ गई। नहीं बेटा, किसको चेंज किया आपने? मैंने तुम्हें लिखाया था कि क्या चेंज हो रहा है, ऊ और ओ और औ, ये किसमें परिवर्तित होंगे? और ये दोनों किसमें चेंज होंगे? औ में चेंज होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दे रखा है, ऊ कौन सा छोटा ऊ किसमें परिवर्तित हो रहा है? औ में। तो क्या कर दिया हमने? भौगोलिक 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 समझ में आया? यस मैम। नेक्स्ट हमने कर दिया पुराणिक, ये पुराण प्लस पौराणिक, पौराणिक पौराणिक ये क्या है, किसकी मात्रा है? छोटी ऊ की मात्रा, छोटे ये हमारा छोटा ऊ है, ये किसमें परिवर्तित होगा बेटा? पौराणिक ओ में। ओ में। अब ये होगा हमारा पौराणिक कई बार बेटा हमारे इस तरीके के परिवर्तन भी आते हैं, कई बार हमारे परिवर्तन आते हैं ललित प्लस य, इसको कैसे करेंगे हम? ललित्य ललित्य, वेरी गुड, हमने ये ललित्य ललित्य वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट हो गया हमारा सुंदर प्लस य, सुंदर सुंदर बेटा सौंदर्य 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 सौंदर्य, इसका भी लालित्य होगा, इसका जरूर ध्यान रखना। यहाँ पे हमने ललित्य नहीं लालित्य लिखते हैं हम लोग, समझ में आया? ललित्य का नहीं, हमने यहाँ पर ललित प्लस य लिखा। पहले तो आपको आगे वाले को देखना है, आगे वाला आ है, उसको हमने आ कर दिया लालित्य। यहाँ पे ऊ दे रखा है, ऊ को क्या करोगे पहले? क्या होगा? सौंदर्य 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 सुंदर प्लस य, तो पहले तो आगे वाले को करना है बेटा, पहले तो आगे वाले को चेंज करना है। तू की जगह हमने कर दिया सौ, और उसकी जगह रा जो है आके ऊपर चढ़ गया, तो क्या हो गया हमारा नया शब्द बना हमारा सौंदर्य। एक हो गया हमारा चतुर प्लस अ य, चतुर प्लस य चतुर बेटा, इसमें क्या चेंज होगा? इसमें क्या चेंज होगा पहले तो इसमें बताओ ना बेटा, इसमें क्या चेंज होगा? ये जो हमारा ये है वो बड़ा हो जाएगा चार, ये हो गया हमारा चतुर्य, चतुर्य 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 नहीं चातुर्य। ये परिवर्तन समझ में आया ना बेटा? जो हमारा आगे का परिवर्तन जो है वो आपको मैंने आपको बता दिया है कि अ आ आई रहेगा, ई ई और उ उ किसमें चेंज हो जाएगा? ए में परिवर्तित हो जाएगा, और नहीं ई ई और ए ए में परिवर्तित हो जाएगा, और हमारा उ उ और ओ औ हमारा औ में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है मैम, एक डाउट है। हैं डाउट? क्या डाउट है बेटा बोलो? मैम जब हम परिवर्तन करते हैं तो च में जो अ की आवाज आती है च, और जो पीछे प्रत्यय लग रहा है य का अ, तो अ अ मिला के वो चा होता है ना अ। कौन से की बात कर रहे हो आप? मैम मैं चतुर्य की बात कर रही हूँ, तो मैम च से जो आवाज आ रही है च अ। हाँ तो हमने च की जगह मैंने वही बोला कि जब सिंगुलर आ हो तो वो आ में परिवर्तित हो जाएगा। हाँ यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे बेटा सिंगुलर आ है ना,
बेटा बोलो मत, जितना डाउट हो सिर्फ उतना ही पूछो, है ना, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या पूछ रहे हो। ओके, मैंने वही बोला कि यहाँ पर सिंगुलर मतलब आ अनार वाला है वो किसमें परिवर्तित हो गया, आम वाले में परिवर्तित हो गया, क्यों यहाँ पर कोई हम लोग संस्कृत में करते ना च प्लस अ अ हो जाता है, लेकिन मैंने बोला आ किसमें परिवर्तित हो रहा है, हमारा आ में परिवर्तित हो रहा है, सही है। ओके मैम, अब तो कोई डाउट नहीं है सौम्या? नहीं है मैम, थैंक यू। ओके, और शब्द दूं करोगे? यस मैम, यस मैम, यस मैम, यस मैम, यस मैम, वार प्रत्यय लगाकर, वार वार। ओके ओके बेटा, वार रविवार, रविवार सोमवार, रविवार मंगलवार सोमवार, ओके बुधवार, बुधवार सोमवार मंगलवार बुधवार मैम, शनिवार, गुरुवार, रविवार, शनिवार। मैम भारतीय, भारतीय, भारतीय और हाँ भारतीय और मैम राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और मैम पठनीय, नाटकीय मैम, आदर्शनीय, विश्वसनीय, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय। ओके बेटा, अविश्वसनीय, ईय प्रत्यय लगाकर, ईय प्रत्यय लगाकर, पठनीय और पठनीय, आदरणीय, 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 दर्शनीय और प्रशंसनीय और प्रशंसनीय हो गया, दर्शनीय। ईला, ईला प्रत्यय, रंगीला, रंगीला, कबीला, 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 कबीला और मैम नशीला, रंगीला। ओके, ई प्रत्यय लगाकर, ई प्रत्यय लगाकर और बनाओ, गतिला है, खांसी, ईमानदारी, लड़ाई, 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 मिठाई, बेटा लड़ाई में मिठाई, मिठाई, ईमानदारी, बोली, ईमानदारी, जगाई जो तुम लोग बोल रहे हो ऐसा ईमानदारी, में आपको कामया, इसमें जो भी आप लोग शब्द बोल रहे हो बेटा उसमें आई प्रत्यय आ रहा है, मैंने आई प्रत्यय लगाकर बना रहे, जबकि मैंने पूछा आप लोगों को ई प्रत्यय लगाकर बनाने के लिए, मैम ई से त्यागी, मानवेंद्र, ई प्रत्यय लगाकर लगाने के लिए बनाने के लिए बोला बेटा आपको, त्यागी, हसी, त्याग प्लस ई त्यागी और रोग, धनी और खाती, बताओ वो होता है खाद, खाद मैम, ज्ञानी, ज्ञानी नहीं, चल प्लस ही चली भी ठीक है, और मैम ज्ञानी, अच्छा शब्द बताओ यार, जैसे मैंने तुम्हें बताया त्याग, त्याग, हाँ त्याग प्लस ही, त्याग हो गया, दानी, दान प्लस ही, हर्षिता और मैम दिवाली, होली, इत प्रत्यय लगाकर, इत, इत प्रत्यय लगाकर, समित, इत प्रत्यय लगाकर, विलीना, सौर्य, पुष्पित, मैम पुष्पित, भ्रमित, आवाज क्लियर है तुम लोगों को,
मैम पुष्पित मैम भ्रमित भवित और मैम गर्वित सुमित हाँ समित गर्वित द्रवित हो गया चिन्नी समित आश्चर्यचकित ए सुन एक मिनट किसने बोला है समित इंग्लिश शब्द है समिता ये सौर्य बंसल समिता समित ये बेटा आप लोगों के गर्वित ये हो गया ये सही है पल्लवित पुष्पित पुष्पित और पल्लवित दोनों ही हैं पुष्प प्लस पुष्पित और पल्लव प्लस पल्लवित भयभीत इसमें भीत जो शब्द है वो भी मूल शब्द है भय जो है वो भी मूल शब्द है चर्चित वेरी गुड और अमृत अमर प्लस इस अमृत और लिखित आश्चर्य आश्चर्य नहीं उपासित उपासना प्लस कोपित कोपित होता है कोपित ठीक है सुमित गलत लक्षित लक्ष्य प्लस अंक प्लस इत अंकित वेरी गुड ओके बेटा समझ में आया आज का आपका ये आपका परसर्ग वाला ये प्रत्यय वाला समझ में आया आप लोगों को यस मैम ठीक है बेटा कल हम लोग समाज शुरू करेंगे ठीक है व्याकरण में आप लोगों के कल हम लोग समाज शुरू करेंगे ठीक है ओके मैम ओके मैम बाय बाय।